क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, ये एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। थ्योरम आपको पढ़ाई नहीं गई थी, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिना थ्योरम के भी सॉल्व हो सकता। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऊपर मेरे पास कोई भी नंबर है, आपको पता, जब वो नंबर एंड होता है तो एंडिंग पॉइंट पर उसका डेसिमल लगा हुआ होता है, ये तो हम सबको पता है, हम दिखाते नहीं है लेकिन डेसिमल होता है। अब लेट अस सपोज कि मैं इसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से डिवाइड कर रहा हूं, और सवाल मेरा ये है कि बताओ डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेस तक शिफ्ट होगा, या फिर डेसिमल जो है वो कितने प्लेस शिफ्ट होगा। तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर मैं उसे 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो डेसिमल अगर यहाँ है, डेसिमल अगर यहाँ पर है तो 10 से डिवाइड करने पर डेसिमल जो है वो यहाँ पर आ जाता 56.1, मतलब एक प्लेस लेफ्ट की तरफ को खिसकता है। जितने नीचे जीरो होते हैं उतने प्लेस लेफ्ट की तरफ को जाएगा। अगर इसकी जगह मेरे पास ये होता 100 तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता 5.61, डेसिमल यहां से उठ के 2 प्लेस इधर को आ जाता। तो मतलब नीचे जितने भी जीरो होते हैं उतने प्लेस वो लेफ्ट को खिसकता, बात तो सही है। इसको क्या मैं ये नहीं कह सकता, इसको देखो, इसको एक बार 561, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि 2 × 5 इनकी पावर्स 1, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता 561 को, और नीचे डिवाइड वाले 100 को ये नहीं कह सकता कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। इसका मतलब अभी भी तो 100 है, देख लो आप, इसका मतलब अभी भी 100 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये अभी भी 100 है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आपको पावर्स इक्वल कर देनी है, और जितनी पावर्स होंगी, जितनी वैल्यू आएगी पावर की, इंडिविजुअल पर देख लो या ओवरऑल पर देख लो, उतने ही डेसिमल जो है वो लेफ्ट की तरफ को आएगा, मतलब डेसिमल जो है उतने ही प्लेस खिसकेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मेरे पास, लेट अस सपोज कि ये मैं इसको उतार लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वरना समझने लायक नहीं है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ये कुछ इस तरीके का था। अब आप कहोगे सर पावर तो मैनेज है ही नहीं, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो मैं ये कहूँगा जिसकी भी पावर ज़्यादा है, ज़्यादा किसकी पावर है, 2 की, तो आप दूसरे को भी उतनी ही पावर में कन्वर्ट कर लो। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 की पावर 4 कैसे करोगे, तो आप ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करने से ऊपर आपको मिल जाएगा ये नंबर, मैं इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा, ना मैं करूँगा और ना मैं आपको सिखाऊँगा करना। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो ये 4 बता रहा है ना कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 4 प्लेस खिसकेगा। अगर आपको और ज़्यादा दिल को तसल्ली देनी है, आपको अपनी अगर चुल मिटानी है, तो इसको मैं 10 की पावर 4 नहीं कह सकता। तो 4 से पता चल रहा है, इस 4 से पता चल रहा है कि डेसिमल जो है वो 4 प्लेस तक खिसकेगा। तो आंसर कौन सा है 4 प्लेस का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर हिसाब लगाएंगे। अबे भाई इतना टाइम नहीं है आपके पास, आप एंट्रेंस देने के लिए आए हो, आप कोई अपना स्कूल का एग्जाम देने के लिए नहीं आए।